अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम सैयद वक़ार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने YouTube चैनल वक़ार वेल विषय में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ सूरह बकरा की आयत नंबर 112 से लेकर 114 तक करते हैं। तर्जमा, सुनो, जो भी अपने आप को खलूस के साथ अल्लाह के सामने झुका दे, बेशक उसे उसका रब पूरा बदला देगा। उस पर ना तो कोई खौफ होगा, ना गम और उदासी। यहूद कहते हैं कि नसरानी हक पर नहीं, और नसरानी कहते हैं कि यहूदी हक पर नहीं, हालांकि ये सब लोग तो रात पढ़ते हैं, इस तरह उन ही जैसी बात बेइल्म भी कहते हैं। क़यामत के दिन अल्लाह ताला इनके इस इख्तलाफ का फ़ैसला इनके दरमियान कर देगा। उस शख्स से बढ़कर जालिम कौन है जो अल्लाह ताला की मस्जिदों में अल्लाह ताला के जिक्र किए जाने को रोके, उनकी बर्बादी की कोशिश करे। ऐसे लोगों को खौफ खाते हुए ही इसमें जाना चाहिए, उनके लिए दुनिया में भी अजाब और रुसवाई है और आखिरत में भी बहुत बड़ा अजाब है। सदाकल्लाहुल अज़ीम। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहां से देख रहे हैं और आप किस कॉलेज में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जाने। 3 पार्ट नंबर ए, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स बाई यूजिंग एनी सुइटेबल रूल। इस पर हम चैन रूल भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं सिंपल पार्ट ऑफ रूल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अवर डी एक्स इंटू एक्स क्यूब इंटू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स आ जाएगा। सबसे पहले अगर हम प्रोडक्ट रूल लगाएं तो फर्स्ट पार्ट ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स आ जाएगा, फिर प्लस सेकंड पार्ट ऐसे ही, फर्स्ट का डेरिवेटिव ये आ जाएगा, एक्स का क्यूब आ जाएगा। इसको अगर आप फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स का क्यूब, लॉग का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1 बाय एक्स, और आगे एक्स का डेरिवेटिव ये अंडर रूट है तो इसकी पावर में लिख देता हूँ 1/2, प्लस लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। पावर रूल लगाएं, पावर शुरू में, पावर में एक काम 3 आ जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, एक्स क्यूब इंटू 1 बाय अंडर रूट ऑफ एक्स। यहाँ पे पावर रूल लगाएं कि पावर शुरू में, पावर में एक काम करेंगे आ जाएगा -1/2, और फिर ये आ जाएगा डी एक्स बाई डी एक्स, प्लस लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स, प्लस ये मल्टीप्लाई है, ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक्स क्यूब। इसको जब मैं नीचे लेकर आऊँगा तो ये आ जाएगा 1/2, एक्स की पावर 1/2 जब नीचे आएगी तो एक अंडर रूट आपके पास ये है और एक आपके पास ये भी आ जाएगा ये, प्लस लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स इंटू 3x का स्क्वायर। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स का क्यूब, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 1/2 अंडर रूट एक्स का, ये आ जाएगा स्क्वायर, प्लस यहाँ पे ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा एक्स का क्यूब प्लस 1, ये मल्टीप्लाई 1/2x प्लस 3x का स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ अंडर रूट एक्स, ये एक पावर इससे कैंसिल हो जाएगी, ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर मल्टीप्लाई 1/2 प्लस 3x का स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर को कामन कर लें, यहाँ से ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर आप कामन कर लें तो ये आपके पास आ जाएगा 1/2 प्लस 3 लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स। तो बस फर्दर यही है, ज़्यादा से ज़्यादा कैल्शियम लिया जा सकता है, तो डी वाई बाई डी एक्स, इसको बस यही आंसर रख लें, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर 1/2 प्लस 3 लॉग ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। डेरिवेटिव लगा दें तो ये आपके पास आ जाएगा फर्स्ट पार्ट ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव, ये आपके पास आ जाएगा लॉग ऑफ एक्स अंडर रूट की पावर लिख दें 1/2,
پھر سیکنڈ پارٹ ایسے ہی لاگ آف ایکس اور فرسٹ پارٹ کا ڈیریویٹو. تو اب اگر آپ یہاں پہ سب سے پہلے ہم پاور رول لگاتے ہیں, یہاں جائے گا ایکس کا اسکیئر, پاور رول شروع میں پاور میں ایک کام کریں گے تو یہ آ جائے گا مائنس ون بائی ٹو, پھر ڈی بائی ڈی ایکس انٹو لاگ آف ایکس آ جائے گا, پلس یہ آ جائے گا لاگ آف ایکس اور اس کا ڈیریویٹو لیں گے آ جائے گا ٹو ایکس ڈی ایکس بائی ڈی ایکس, یہ کینسل ہو جائے گا, یہ آپ کے پاس آ جائے گا ایکس کا اسکیئر. اس کو اگر میں ڈائریکٹ نیچے لکھ دوں گا یہ آ جائے گا ون بائی ٹو, یہ آ جائے گا لاگ آف ایکس اور یہ پاور جب نیچے آئے گی پلس اور یہ انڈر روٹ بن جائے گا, اور جب میں اس کا ڈیریویٹو لوں گا یہ آ جائے گا ون بائی ایکس ڈی ایکس بائی ڈی ایکس کینسل ہو جائے گا, یہ آپ کے پاس آ جائے گا ٹو ایکس انٹو انڈر روٹ آف لاگ آف ایکس آ جائے گا. تو یہاں پہ یہ ملٹیپلائی ہے, اس ایک ایکس کو اس سے کاٹ دیں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا ایکس ڈیوائڈیڈ بائی ٹو انڈر روٹ آف لاگ آف ایکس پلس ٹو ایکس انڈر روٹ آف لاگ آف ایکس. اس کو تھوڑا فردر سالو کریں, یہ والا ایکس اور یہ ایکس میں کامن بھی کر لیتا ہوں اور ساتھ میں اس کو ایل سی ایم بھی لے لیتا ہوں, یہ آ جائے گا ٹو انڈر روٹ آف لاگ آف ایکس. تو یہاں اس کی جگہ آ جائے گا ون پلس یہاں پہ یہ آ جائے گا ٹو انڈر روٹ لاگ آف ایکس اور یہ بھی ملٹی پلائی ہو جائے گا ٹو انڈر روٹ آف لاگ آف ایکس. تو اس کو آپ فردر سالو کریں, آپ کے پاس آ جائے گا ڈی وائی بائی ڈی ایکس, یہ والا ایکس بریکٹ کے باہر, یہ آ جائے گا ون پلس یہ ٹو اور یہ ٹو, یہ آپ کے پاس آ جائے گا فور انٹو لاگ آف ایکس کا انڈر روٹ کا اسکیئر ڈیوائڈ میں آپ کے پاس آ جائے گا ٹو انڈر روٹ آف لاگ آف ایکس. اس کو تھوڑا فردر سمپلیفائی کریں, آپ کے پاس آ جائے گا ایکس ون پلس فور, یہ اس سے کینسل ہو جائے گا, لاگ آف ایکس ڈیوائڈیڈ بائی ٹو انڈر روٹ آف لاگ آف ایکس. تو یہ ہمارے پاس اس کا فائنل آنسر ہے ڈی وائی بائی ڈی ایکس کا. چلتے ہیں اس کے نیکسٹ پارٹ کی جانے سی, تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا ڈی وائی بائی ڈی ایکس, یہ آ جائے گا ڈی اوور بی ایکس انٹو لاگ آف ایکس اسکیئر پلس ون ایکس اسکیئر مائنس ون. اگر ہم لاگ کا ڈیریویٹو لیتے ہیں تو وہ پہلے آ جاتا ہے ون بائی ایکس, سب سے پہلے ہم اس کو یوں لکھیں گے ون بائی انڈر روٹ آف ایکس اسکیئر پلس ون اوور ایکس اسکیئر مائنس ون ایز اٹ از, اور آگے اس کا ڈیریویٹو ڈی اوور ڈی ایکس, یہ آ جائے گا ایکس اسکیئر پلس ون ایکس اسکیئر مائنس ون اور اس انڈر روٹ کی پاور کو میں لکھ دیتا ہوں ون بائی ٹو. تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا ون بائی انڈر روٹ آف ایکس اسکیئر پلس ون ایکس اسکیئر مائنس ون, پاور شروع میں آ جائے گی, پاور میں ایک کام کریں گے ایکس اسکیئر پلس ون ایکس اسکیئر مائنس ون, تو یہ پاور میں جب ایک کام کریں گے آ جائے گا مائنس ون بائی ٹو, پھر آگے فردر اس کا پھر سے ڈیریویٹو ایکس اسکیئر پلس ون ایکس اسکیئر مائنس ون. اس کو ہم فردر سالو کریں گے, آپ کے پاس آ جائے گا ون بائی ٹو, یہ والا شروع میں لے کر آگے, پھر آپ کے پاس آ جائے گا ون ڈیوائڈیڈ بائی, یہ آ جائے گا ایکس کا اسکیئر پلس ون ایکس اسکیئر مائنس ون, یہ پاور مائنس میں, جب میں اس کو نیچے لے کر آؤں گا تو یہ پاور جب پلس بن جائے گی تو اس پہ بھی انڈر روٹ آ جائے گا, یہ ایسے آ جائے گا ایکس کا اسکیئر پلس ون ایکس کا اسکیئر مائنس ون, یہ آ جائے گا ڈی بائی ڈی ایکس انٹو ایکس اسکیئر پلس ون ایکس اسکیئر مائنس ون. یہ بہت بڑی ایکویشن بن گئی ہے تو میں اس کو اسٹار ایکویشن بنا کے پہلے میں اس کو سالو کرتا ہوں اور پھر میں اس کا آنسر یہاں پہ پٹ کر دوں گا, کیونکہ یہ بہت لینتھی اسٹیپس ہو جائیں گے. اس کو سالو کرنے لگا ہوں تو یہ آپ کے پاس آ جائے گا نیچے والی ٹرم کا اسکیئر, پھر نیچے والی ٹرم ایز اٹ از ایکس مائنس ون, اوپر والی ٹرم کا ڈیریویٹو ایکس اسکیئر پلس ون, پھر یہ آ جائے گا ایکس اسکیئر پلس ون, نیچے والی ٹرم کا ڈیریویٹو ایکس اسکیئر مائنس ون آ جائے گا, یہ آپ کے پاس آ جائے گا ایکس اسکیئر مائنس ون. اس کا جب آپ ڈیریویٹو لیں گے ایکس اسکیئر کا ڈیریویٹو ٹو ایکس, کانسٹنٹ کا ڈیریویٹو زیرو,
ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा टू एक्स और कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करें, यह आपके पास आ जाएगा टू एक्स का क्यूब माइनस टू एक्स, ये आपके पास आ जाएगा माइनस टू एक्स का क्यूब प्लस माइनस माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यह आ जाएगा माइनस फोर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल का स्क्वायर। अब इस पूरे आंसर की जगह मैं डायरेक्ट ये चीज़ पुट कर देता हूँ, आपके पास आ जाएगा वन बाय टू मल्टीप्लाई वन बाय, ये अंडर रूट सेम है, इसको आप स्क्वायर में लिख दें, आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर मल्टीप्लाई इस पूरी टर्म की जगह मैं लिखूँगा फोर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड कीजिए डबल डिवाइड आए तो वैल्यू उलट जाएंगी, यह आ जाएगा वन बाय टू मल्टीप्लाई ये एक्स स्क्वायर माइनस वन ऊपर चला जाएगा, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन मल्टीप्लाई फोर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, ये एक टर्म इससे कट जाएगी तो यहाँ पे एक बच जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा टू। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करें, यहाँ पे एक माइनस भी था, अब ये आपके पास आ जाएगा माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय, यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन। तो इसको फर्दर सॉल्व करें, ये आपके पास आ जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ जाएगा, यह आ जाएगा माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स पावर फोर माइनस वन आ जाएगा। अब अगर मैं इस माइनस को ख़त्म करना चाहूँ तो यह आ जाएगा माइनस टू एक्स, अगर मैं यहाँ से एक माइनस कामन कर लूँ यह आ जाएगा वन माइनस एक्स पावर फोर, इस माइनस को इस माइनस से कैंसिल कर दें, यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स पावर फोर, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की जानिब, डी यह आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी अवर डी एक्स इंटू लॉग ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन। लॉग का डेरिवेटिव ये होता है कि सबसे पहले उसको वन बाय एज इट इज लिख दें, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर आगे उसकी ब्रैकेट का डेरिवेटिव आ जाएगा एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन आ जाएगा, यहाँ आपके पास आ जाएगा वन एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसका डेरिवेटिव जब एक्स के साथ लेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वन माइनस डी अवर डी एक्स, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन पावर वन बाय टू। इसको फिर फर्दर सिंप्लीफाइड करें तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे पावर शुरू में आ जाएगी, पावर में एक कम करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस वन बाय टू, फिर डी अवर डी एक्स ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वन। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लें, वाई टर्म आपके पास एडिटिव आ जाएगी वन अवर एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, फिर ये आ जाएगा वन माइनस वन बाय टू, ये पावर जब नीचे आएगी तो प्लस बन जाएगी, यानी ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये वन बाय टू जब नीचे आएगा तो प्लस बन जाएगा, इसको मैं अंडर रूट लिख सकता हूँ, और इसका जब मैं डेरिवेटिव लूँगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव आ गया है 2x। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लें, ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ पे जब मैं एलसीएम लूँगा ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस वन, ये वाली सारी टर्म जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो ये आ जाएगा 2 अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस 2x आ जाएगा। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें और टू कॉमन कर लेंगे आ जाएगा टू अंडर, ये आ जाएगा वन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वन, यहाँ से टू कॉमन करें तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस एक्स आ जाएगा डिवाइडेड बाय टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन,
ये 2:2 से कैंसिल हो जाएगा। इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करें, इस टर्म को इस 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ जाएगा। अब अगर मैं यहाँ से एक माइनस को जस्ट कॉमन कर लूँ, जब मैं माइनस कॉमन करूँगा ये माइनस एक्स है ये प्लस बन जाएगा, और ये प्लस है तो माइनस आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये सारी टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी तो ये आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। 5 ये आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, प्रोडक्ट रूल लगा लें, फर्स्ट पार्ट ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव ये आ जाएगा कॉस ऑफ 2x, फिर प्लस कॉस ऑफ 2x ऐसे ही, और फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव e पावर माइनस 2x आ जाएगा। तो अब अगला काम हमने ये करना है कि ये तो आपके पास आ जाएगा e पावर माइनस 2x, इस कॉस 2x का जो डेरिवेटिव होता है वो तो होता है माइनस साइन, आ जाएगा माइनस साइन 2x, और आगे इसके ब्रैकेट में जो x है उसका भी डेरिवेटिव आ जाएगा प्लस, ये आ जाएगा कॉस ऑफ 2x ऐसे ही, e में उस फंक्शन को एज इट इज, और आगे उसकी पावर का डेरिवेटिव माइनस 2x आ जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा e की पावर माइनस 2x माइनस साइन 2x, और 2x का जो डेरिवेटिव होगा वो आपके पास आ जाएगा, फिर प्लस ये आ जाएगा कॉस ऑफ 2x इंटू ई पावर माइनस 2x, और माइनस 2x का जो डेरिवेटिव होता है माइनस 2। इसको आप तरतीब से अगर लिखें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 ई की पावर माइनस 2x, इस माइनस को भी पहले लिख लें, फिर ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ 2x प्लस माइनस माइनस 2 ई की पावर माइनस 2x इंटू ये आ जाएगा कॉस ऑफ 2x। अगर हम इसमें एलसीएम को कामन लें, सॉरी सिंप्लीफाइड को कामन लें, एक माइनस टू कामन आ जाएगा, एक आ जाएगा ई की पावर माइनस 2x, तो ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ 2x माइनस कॉस ऑफ 2x, आंसर आ जाएगा डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 ई की पावर माइनस 2x, ये आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ 2x माइनस कॉस ऑफ 2x। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जाने। एफ प्रोडक्ट रूल लगाएं, यहाँ आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट पार्ट ऐसे ही, सेकंड का डेरिवेटिव ई पावर साइन ऑफ एक्स, फिर प्लस सेकंड पार्ट ऐसे ही, और फर्स्ट पार्ट का डेरिवेटिव, ये आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर, ई में जो चीज़ है उसको पहले एज इट इज़ लिखें, और आगे फिर उसकी जो पावर है उसका डेरिवेटिव, फिर आपके पास आ जाएगा ई पावर साइन ऑफ एक्स, एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव वो आपके आप पास आ जाएगा 2x आ जाएगा। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म बनाएं, आ जाएगा एक्स का स्क्वायर ई की पावर साइन ऑफ एक्स, साइन का डेरिवेटिव आपके पास होता है कॉस ऑफ एक्स प्लस ई साइन ऑफ एक्स इंटू 2x। अब जो जो चीज़ पहले कामन आ रही है अगर हम उसको कामन ले लें, एक आपके पास आ रहा है e की पावर साइन ऑफ x, और यहाँ से अगर मैं एक x भी कामन लेना चाहूँ तो ले सकता हूँ, ये आ जाएगा x इंटू ई पावर साइन ऑफ x, तो यहाँ पे आपके पास ये एक्स स्क्वायर है, एक x बच गया, यहाँ पे आ जाएगा कॉस ऑफ x, और साथ यहाँ पे आ जाएगा 2। फाइनल आंसर है डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स ई पावर साइन ऑफ एक्स, ये आ जाएगा बुक में 2 स्टार्ट में है, प्लस एक्स कॉस ऑफ एक्स, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 के तमाम पार्ट्स कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पूरे चैप्टर के लिंक भी डाल दूंगा, और लास्ट पे एक प्लेलिस्ट लगा दी जाएगी, उस प्लेलिस्ट में जाकर आप किसी भी वीडियो को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं।
آخر میں ایک چھوٹا سا میسج اپنے دیکھنے اور سننے والوں کے لیے، حالات کی تاریکی سے نہ گھبراؤ، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو اور یاد رکھو سب سے زیادہ بارش تاریک ترین بادلوں سے ہی برستی ہے۔ پیارے بچوں اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔